नमस्कार, स्वागत है आपका वेब वार्ता में। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और हमारे साथ मौजूद है वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। आज का हमारा विषय होगा दलित राजनीति। हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा बयान दिया गया कि कुत्ते को कोई पत्थर मारेगा तो सरकार इसमें क्या करेगी। इस बयान को फरीदाबाद की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। जयदीप जी, क्या लगता है आपको, इस तरह की बयानबाजी राजनीति को किस ओर ले जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि नेताओं को थोड़ा अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है। वीके सिंह जी पहले भी अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में भी रहे हैं और परेशानी में भी पड़े हैं, और उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि जिस पद पर वो बैठे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और अगर वो विदेश मंत्रालय में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और भारत के सेनाध्यक्ष रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उनसे और ज़्यादा गंभीरता की अपेक्षा की जाती है। मुझे लगता है कि चूंकि वो राजनेता नहीं है मूलतः और एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, इसलिए वो कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं। ये किसी तरह की क्लीन चिट देने की बजाय शायद समझने की कोशिश है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। मुझे लगता है वो कहना ये चाह रहे थे कि राज्य सरकार का मसला है और राज्य में या गांव के स्तर पर कोई सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति नहीं है ठीक, तो उसको लेकर लगातार केंद्र, और वो ये कहते हो कि ये भी भूल जाते हैं कि जिस सरकार के बारे में वो बात कर रहे हैं वहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन वो दुखी इस बात से होंगे कि जब यही इसी तरह की घटना जो इतना ज़्यादा दादरी का गाँव बिसाड़ा चर्चा में आया था, वहाँ पर जो अखलाक की हत्या हुई थी, तो उसमें चूंकि स्थानीय जो सरकार थी वो समाजवादी पार्टी की थी, अखिलेश की सरकार थी, इसी तरह कर्नाटक का कलबुर्गी में की जो हत्या हुई है वो भी बहुत चर्चा में है, वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है, और वो कहना शायद ये चाह रहे थे, लेकिन वो कह कुछ और गए हैं, और वो जो कह गए हैं वो शर्मनाक है, अशोभनीय है। और इस तरह के बयान इस तरह के पदों पर बैठकर जब आते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक तो पूरी बहस को भी दूसरी दिशा दे देते हैं। अभी मसला ये है कि दलितों पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर लोग आक्रोशित हैं और वो गलत है, और उसको लेकर अगर समाज को ये नहीं पता है घटना क्यों हुई, किस स्तर पर हुई, किसकी जिम्मेदारी है, तो उस बात पर बयान अपने कायम रखने की बजाय वो इस तरह के बयान देते हैं तो वो फिर पूरी बहस को, क्यों, जैसे आप देखिए उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ है, आम आदमी पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया है, क्योंकि सबसे अहम बात जो उनको समझनी चाहिए थी कि सारे मसले के केंद्र में एक दलित परिवार में हुए दो बच्चों की मौत शामिल है, और जहां भी दलित होते हैं वहां पर दुर्भाग्य से इस देश में घटना के तह में जाने के बजाय राजनीति शुरू हो जाती है, जो कि हो गई। जयदीप जी, दलितों पर राजनीति होना बरसों पुरानी बात है, लेकिन इस तरह की राजनीति से दलितों के हालात कितने बदले हैं? मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर इस पर दलितों के हालातों पर कोई फर्क पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जैसा मैं कह रहा था, जैसे हम इन घटनाओं को अगर सही तरीके से सही चश्मे में देखें कि जो हरियाणा का सोनपेड़ गांव है वहां पर दरअसल हुआ यह है कि दलितों और सवर्णों के बीच में एक लंबी लड़ाई चली आ रही है, और कुछ समय पहले इस लड़ाई ने बहुत भयानक रूप अख्तियार कर लिया था, और उसके बाद ये कुछ दलित जो हैं गांव छोड़कर चले गए थे, जिसमें कुछ सामाजिक लोगों ने और कुछ पुलिस ने बीच बचाव किया था, और कहा यह जा रहा है कि ये जैसा कि सामने आई है बातें सूत्रों के हवाले से, ये परिवार समझाइश के बाद वापिस आया था, लेकिन कुछ सवर्ण लोग जो इसका बदला लेना चाहते थे उन लोगों ने बदले की भावना से ऐसा किया। तड़के सुबह 4 बजे इस दलित परिवार के घर में आग लगा दी गई जब वो पूरा परिवार सो रहा था, और इस पूरी घटना का जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है उसको किसी ने उजागर नहीं किया कि एक 9 माह की बच्ची दिव्या और उसका भाई 2.5 साल का वैभव, उनकी मौत हुई है, और बाकी और लोग गंभीर रूप से जलने के बाद घायल होकर अस्पताल में लगातार इलाज कराते रहे। कौन मरा है, कौन घायल हुआ है, क्यों घायल हुआ है, 9 माह की बच्ची का मर जाना किसी भी परिवार के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है, 2.5 साल के एक बच्चे का इस दुनिया से उठ जाना, वो दुनिया देख भी नहीं पाया, इसके पहले इस दुनिया से चला गया, इसके जो ये भावनात्मक पहलू हैं, इसके जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये कहीं भी सामने नहीं आ रहे, आ भी रहे हैं तो एक बड़ी खबर में एक छोटी एक लाइन की पंक्ति बनकर रह गए हैं। टेलीविजन पर खबर चल रही है कि दलित परिवार की हत्या हुई है, सवर्णों का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार मामलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। आप देखिए जो 4-5 मामले जोड़े गए हैं, ये चारों पांचों जो मामले हैं वो दरअसल अपने आप में अलग हैं, और उनको अलग अलग ही देखा जाना चाहिए, और उसी तरीके से आप उनकी तह तक जा पाएंगे। जो दादरी के बिसाड़ा गांव में घटना हुई वो बिल्कुल अलग घटना थी, उनकी आपसी रंजिश थी या नहीं थी, अचानक हुआ या नियोजित तरीके से हुआ, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वहां पर किसी ने जबरदस्ती माइक से पुजारी से घोषणा करवा दी कि एक परिवार जो है वो गाय का मांस पकाकर खाता है, और अचानक भीड़ ने उस परिवार पर हमला किया और एक मासूम व्यक्ति की मौत हो गई, और उसका जो बेटा था वो घायल हो गया, और दूसरा बेटा वायुसेना में है, देश की सेवा कर रहा है लगातार, लेकिन ऐसे परिवार पर हमला हुआ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें उस नजरिए से उसको देखना होगा। एक विचारक है कलबुर्गी जो एक अपने रेडिकल थिंकिंग अलग विचारों के लिए जाने जाते हैं, कर्नाटक में उनकी हत्या हुई, लेकिन उनकी और जिस समाज के लोगों का बात सामने आ रही है हत्या करने वालों की, उनके बीच में लगातार इस बात को लेकर जिस तरह के विचार वो व्यक्त करते रहे, मतभेद रहे, गलत है, विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है,
जब इस देश में तस्लीमा नसरीन रहकर अपने विचार व्यक्त कर सकती है, जिनके खिलाफ फतवे जारी हुए हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है जब तक कि वो हमारे राष्ट्रहित को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हों। लेकिन घटनाओं को इतने साफ तरीके से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दिखाने और देखने के बजाय दलितों की आप बात छोड़िए, हम पूरे सामाजिक उन्मादी हो जाते हैं। जी, केंद्रीय मंत्रियों की बयानबाजियां पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में रही है। क्या विकास के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार इस तरह की बयानबाजियों पर अंकुश लगाने में असफल रही है? मुझे लगता है कि मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जहाँ चंद लोग ऐसे हैं जो बहुत समझदारी से बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, वहाँ पर कुछ मंत्री ऐसे हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वीके सिंह जी हो, ये लगातार मुद्दों के जो गंभीरता है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है आज की तारीख में मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो विपक्ष की बजाय अपने ही पाले में बैठे हुए ऐसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगाए। आप देखिए कि बिहार के चुनाव में उनको जो नुकसान होता हुआ दिखा उसको देखकर अमित शाह ने लताड़ लगाई है। आज राजनाथ सिंह जी का बयान आया बहुत महत्वपूर्ण कि नेता जब भी कोई बात रखें किसी गंभीर मुद्दे पर तो वो संभल कर बोलें, अपनी जबान संभाल कर बोलें। ऐसी हिदायतें देने की जरूरत उनको इसलिए पड़ी है कि जो चुनौती उन्हें विपक्ष से है, जो कांग्रेस से है, जो आम आदमी पार्टी से है, जो महागठबंधन से बिहार में है, उन चुनौतियों से निपटने की बजाय उन्हें अपने ही नेताओं के बयानों को संभालते फिरना पड़ रहा है। जी, चुनाव के समय ज्यादातर यह होता है कि वोटों का आकलन जाति के आधार पर होता है। फिलहाल फरीदाबाद का मामला गरमाया हुआ है और दलितों का वोटों के मामले में एक बड़ा प्रतिशत होता है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति से जातिवाद को बढ़ावा मिला है? निश्चित तौर पर आप देखिए, दूसरा भी अब जो मामला सामने आया गोहाना का, आप देखिए ये पुलिस का अत्याचार है या मामले को न संभाल पाने की उनकी गलती है या फिर जो खट्टर साहब हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बार फिर जल्दबाजी में बयान दिया है, इन तीनों ने मिलाकर उस मामले को एक अलग ही रूप दे दिया है और मूल घटना को समझने के बजाय लोगों ने फिर उसको दलित सवर्ण जाति अत्याचार और इस तरह का मसला बनाकर वोट बैंक और मायावती के बयान आने। गोहाना में जो मामला हुआ है वहां पर 15 साल के एक लड़के का शव उसके घर के पास वाले एक निर्जन स्थान पर एक कमरे में मिला है, तो उसके पहले की घटना को लेकर उसकी माँ के जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कबूतर चोरी के आरोप में पकड़ा गया था ऐसा बताया जा रहा है, उसकी मां थाने गई थी और उससे मिली थी, इसका मतलब वो थाने में था, लेकिन ये बात कहीं पर भी नहीं आई है कि वो पुलिस के कब्जे में था पहले, ये बताया जा रहा है। उसकी मां ने कम से कम ये बयान दिए हैं कि उसके लिए पुलिस ने उससे रिश्वत मांगी थी, 10,000 रुपए मांगे थे इस मामले को रफा दफा करने के लिए, बात 5,000 पर आकर रुक गई थी, लेकिन जब वो अगले दिन 5,000 रुपए लेकर जाते और अपने बच्चे को छुड़वाते उसके पहले ही उसका शव मिला, तो क्या पुलिस की जो कस्टडी है उसके अंदर ही उसके साथ मारपीट हुई या वो सचमुच पुलिस जैसा बता रही कि वो भाग गया था और वो भागा और किसी ने उसकी हत्या कर दी। ये सारे मामले को हमको एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के रूप में देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर शासन तंत्र का एक नाकामी हुई है, वहाँ पर पुलिस ने किस तरीके से एक लड़के को यदि बंदी बनाया इस आरोप में और रिश्वत मांगी तो कैसे पुलिस पर सख्त कार्रवाई हो। अब सीबीआई जांच वगैरह से तो ठीक है निष्कर्ष सामने आने में लंबा समय लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए था कि वो पूरी घटना को समझकर, उन्होंने कहा कि ये जो है आत्महत्या का मामला है, सुसाइड का मामला है, अगर उनकी मां ने ये बयान दिए हैं कि वो पुलिस के कब्जे में था तो पहले देखा जाना चाहिए कहीं वो पुलिस जाति की वजह से तो नहीं मारा गया। ये सब बातें हैं जिनकी जाँच होगी तब तथ्य सामने आएंगे। अब हम अवर्ण सवर्ण दलित पिछड़े अगड़े की बातें करने लग जाते हैं और मुद्दे की जो गंभीरता है उसको हम समझते नहीं है, घटना क्या हुई है इसको जानने की कोशिश भी कोई नहीं करता। फरीदाबाद मुद्दा गरमाने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर ही आरोप लगा रहा है कि वो दलित विरोधी सरकार है। बिहार में अभी तक चुनाव परिणाम नहीं आए हैं, 2017 में यूपी में चुनाव होंगे जहां पर दलितों का वोटों का आंकड़ा सबसे ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में क्या मोदी सरकार के लिए ये स्थितियां बनना मुश्किल पैदा कर सकती है? निश्चित मुश्किल पैदा करेगी। जैसा आपने कहा बिहार में तो अभी चुनाव चल ही रहे हैं, 2 चरणों का मतदान हुआ है, अभी 3 और चरणों में मतदान होना बाकी है, उसके बाद परिणाम आएंगे, लेकिन वहां पर ये जो दलित राजनीति वो पहले ही बहुत जबरदस्त बड़ा रूप अख्तियार कर चुकी है। वो इसलिए कि कुछ समय पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया था कि इस देश में आरक्षण की आवश्यकता नहीं और इसका राजनीतिक स्तर पर ज्यादा इस्तेमाल किया है बजाय कि सामाजिक उपयोग होने के। उस बयान को जिस तरीके से विपक्ष ने इस्तेमाल किया है दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए, आप बिहार में जाकर देखिए जमीन जमीन पर जगह जगह पर अब गौमांस बड़ा मुद्दा नहीं है, महागठबंधन और एनडीए की राजनीति मुद्दा नहीं है, वहां पर आरक्षण निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा, तो दलितों के वोट बैंक पर सबकी निगाह होती है। आप ये देखिए कि विजयादशमी के मौके पर जब संघ प्रमुख भागवत बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें अंबेडकर की तारीफ करनी पड़ती है, वो शायद अपने पुराने बयान को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दलित राजनीति बड़ा मुद्दा बन चुकी है, हिंदुस्तान में थी है, और जब तक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हम इस पूरे झंझट झमेले से बाहर आने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं अख्तियार करते तब तक वो बनी रहेगी। आपने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं 1 साल बाद, तो वहां पर तो निश्चित तौर पर अगड़ों पिछड़ों की राजनीति और बड़े स्तर पर मौजूद है, तो बिहार में इसको पहले ही बुनाया जा रहा है। इसीलिए अभी जो गोहाना का कांड हुआ है उसमें घटना के मूल में जाने के बजाय विपक्ष ने निशाना साधा है दलित मुद्दे को लेकर, क्योंकि विपक्ष ये जानते हुए भी कि इस मुद्दे के मूल में क्या है सरकार को अगले पिछड़े की राजनीति में घिरने की कोशिश निश्चित तौर पर करते रहेंगे।
विकसित देश चांद पर पहुंच गए हैं, उससे आगे की बात भी करते हैं। हमारे देश में हम अपने झगड़े सुलझाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। राजनीतिक दल क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और बाकी चीजों के नाम पर कोसती तो है, उनका रोना तो रोती है, लेकिन हालात में कभी कोई बदलाव नजर नहीं आता। क्या इस तरीके से हम अपने देश को विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में देखते हैं? देखिए, चंद्रयान तो हमने भी भेजा है और मंगल पर भी हमने पूरी जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी है कि मंगलयानों और चंद्रयानों के बीच में एक और हिंदुस्तान पलता है, जिस हिंदुस्तान में अगड़ों पिछड़ों की राजनीति होती है, जिस हिंदुस्तान में एक गांव में घोषणा करवाकर एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उस पर आरोप है कि वो गौमांस खाता है, एक परिवार में सोए हुए दो बच्चों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है कि वो दलित परिवार से है, और दलित और अगड़ों की पुरानी रंजिश चली आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो देशव्यापी राजनीति का रूप ले लेती है। तो दरअसल ये जो हिंदुस्तान है, दो अलग अलग तरह का हिंदुस्तान एक साथ सांस ले रहा है, और इन दोनों हिंदुस्तानों के बीच में मौजूद एक वो जागरूक हिंदुस्तान जिसके आईटी क्षेत्र के दिग्गज दुनिया में नाम कमा रहे हैं, एक वो हिंदुस्तान जहाँ की प्रतिभाएं आईआईटी और आईआईएम से निकलकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में छा रही हैं, एक वो हिंदुस्तान जो मंगलयान और चंद्रयान भेजता है, और एक ये दूसरा हिंदुस्तान जहाँ पर मध्यान्ह भोजन में छिपकली आ जाने भर से कई बच्चों की मौत हो जाती है। उन दोनों हिंदुस्तानों के बीच की जो खाई है, जब तक उसको नहीं पाटा जाता, मुझे नहीं लगता कि हम इन सारे मसलों से निजात पा सकेंगे। जी, निश्चित तौर पर दलितों पर राजनीति होना बहुत पुरानी बात है और इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा होना, इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। फिलहाल वेबवार्ता में इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।